नहीं क्या करे, खाना चाहे क्या होगा, तो जिसको निश्चय नहीं, हर एक आत्मा को देखो, कोई भी गलत कर्म करता है ना, गुस्सा करता है, उसको मन में विचार आता है ये नहीं करना चाहिए। नहीं सभी लोग करते हैं, वो भी गुस्सा करते हैं, दूसरों का उदाहरण देते हैं। नहीं, हर एक आत्मा के अंदर शिव बाबा का बच्चा है, हर एक को अंदर टचिंग आती है, लेकिन कोई मानता है कोई नहीं मानता है, अपने को भी विश्वास नहीं रहता है। तब कहा सबका सुनो, दिल का मानो, दिल बुद्धि है ना, सच्चे दिल पर सब बुद्धि हर एक को गलत करते समय बताता है ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। हम दूसरों का उदाहरण, वो भी करता है, वो भी करता है, सब लोग करते हैं, हर एक को अपना दिल बताता है, ऐसा है ना, हर एक को बताता है ना, अंदर आवाज आता है, हम मानते नहीं। तब का सबका सुनो, अपना दिल का करो, दिल हर एक को सच्चा बता, मैं गलत बता सकता हूं, लेकिन आपके दिल में बता नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक है ना। हर एक के अंदर आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, अभी भी ज्योत है, बुझी नहीं, हर एक को अभी भी बताता है। तो उसको रोज तेल डालते रहेंगे तो दीपक जगता है, रोज ज्ञान योग करते रहेंगे तो आपकी बुद्धि स्वच्छ होगी, उसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। वो गलत कर्म करना नहीं देंगे आपसे, गलत कर्म करने की परिस्थिति आएगी तो भी कोई ना कोई परिस्थिति आपको रोक देगा, परिस्थिति भी आएगी। तो अगर आप रोज ज्ञान योग करते दीपक पर रोज ग्रंथ डालते हो तो दीपक जगा रहेगा, नहीं तो दीपक बुझ जाता है, तो बाहर का वातावरण बुझा देता है तूफान, वो उसका जिसके अंदर रोज घी नहीं डालते हैं। रोज ज्ञान योग अपने तरफ से करते रहो तो दीपक जगता रहेगा, कितना भी तूफान आए हो, कितनी भी परिस्थिति आने दो, भगवान रक्षक है, वो याद दिलाएगा, बचाएगा, परिस्थिति ऐसी आएगी। तब कहा रामायण में कहते हैं कि राम एक जगह पर पंचवटी में अकेला हो जाता है, सीता तो गई, लक्ष्मण भी गया, तो खरभूषण करके राक्षस राम पर हावी हो जाते हैं, तो राम के सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं, तो क्या करो, सब अस्त्र खत्म है, वो हावी हो जाते उसके ऊपर। तब आकाशवाणी होती है, राम आपके पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र छोड़ो, तो वो अस्त्र छोड़ते समय मिनट में मूर्छित हो जाते हैं, ये कहानी है। ऐसे आप भी रोज मुरली सुनते हो, मुरली के पॉइंट धारण करते हो, आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आती है कुछ भी नहीं, क्या करो, कोई नहीं चारों तरफ, क्या करो बाबा, क्या करो बाबा, तुरंत आपको टचिंग, बच्ची ऐसा करो, बच्चे ऐसा करो, ये भगवान का टचिंग, इसको कहते हैं बाबा ने रक्षा किया, बाबा ने मदद किया। तो रोज जो करते, रोज ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान धारण करते हैं अंदर है, तो वो टचिंग करता है, वो रक्षा करता है। तो राम के पास बहुत साधु सन्यासी ने दिया था अस्त्र, अंदर था, भूल गया था, तो आकाशवाणी हुई। ऐसे यहां भी रोज आप मुरली सुनते हो, याद रखते हो, वर्णन करते हो, अंदर जमा है, कोई परिस्थिति आती है अभी क्या करूं, याद नहीं आता, सुस्ता नहीं है, उस समय बाबा आपको टचे, बच्ची ऐसे करो, हाँ फिर याद रखा है, दो दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, दो साल पहले बाबा ने कहा था, तब याद रखा, अंदर है वो, बाहर आता नहीं। इसलिए रोज ज्ञान जमा, समय पर आती है तो बाबा आपके द्वारा आपके आपका रक्षक है, उसको कहते हैं बाबा के टचे, भगवान ने मुझे बचाया है ना, ऐसे बाबा मदद करता है। ठीक है, समझ।